बात होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था जब सरकार ने कहा कि हम 31 दिसंबर तक स्कूल खुले रखेंगे, मैंने उस वक्त भी कहा था पॉसिबल नहीं है क्योंकि मौसम पे सरकारी कानून नहीं चलते हैं। ये डिसीजन हो चुका है, गवर्नमेंट से हमने बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से या इवन मिनिस्टर लेवल पे भी हमने जो बात की, यूनियन के जो यहाँ MOS आए थे उनसे भी बात हुई, लेकिन चूंकि अब सरकार का फैसला है इससे वाकई बच्चों का नुकसान हुआ क्योंकि जो वर्किंग डेज अब मिलने चाहे थे लग रहा है कि वो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये अभी नवंबर ही है, आप देखिए ठंड कितनी है, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे स्कूल विंटर में जारी रख सकते। बार बार पूछा जाता है गवर्नमेंट, हालांकि दो दिन पहले हमारी मीटिंग थी वहाँ भी इसी चीज़ पे डायरेक्टर साहब भी मीटिंग में इसी चीज़ का जायजा ले रहे कि स्कूल ने फीस ली नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि फीस लेना फीस देना ये फीस इशू सानवी है, प्राइमरी है क्वालिटी एजुकेशन। अगर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो फीस कम हो ज्यादा ये कोई इशू नहीं रहता है। ये मुझे पता नहीं कि किस तरह से अब वालिदैन का सोसाइटी का अटेंशन जो है फीस की तरफ लागू किया जा रहा है। देखिए अल्टीमेटली प्राइवेट स्कूल जो है एक फैसिलिटी है जहाँ पे बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, जो स्कूल का ओनर है वो एक फैसिलिटेटर है। अब सीधी सी बात है पेरेंट फीस नहीं देंगे बच्चे को क्वालिटी नहीं मिलेगी। एक तरफ से सरकार में 11,500 रुपए एक बच्चे का एक महीने खर्चा आता है, दूसरी तरफ से आप देखें प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीस क्या है। इसी वजह से हमने एज ए सोल्यूशन, हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करते, हमने एज ए सोल्यूशन रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि ये 11,500 रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं वो भी गरीब बच्चों के नाम पे, ये पैसा आप पेरेंट के अकाउंट में डालिए ताकि पेरेंट की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को किस स्कूल में दाखिल करें। ये हमारी कोशिश है, हम इस पे लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे ताकि एजुकेशन जो है गरीब बच्चों के लिए आला से आला जो है यहाँ तालीम का इंतजाम हो। आपको याद एम्स स्कूल हंदवाड़ा ने आज जो एनुअल डे फंक्शन किया, चूंकि मैं अक्सर फंक्शन में जाता रहता हूँ यहाँ भी या बाहर भी, लेकिन यहाँ आकर मुझे इस बात की इंतहाई खुशी हुई कि यहाँ के बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी, जो बड़े से बड़े या अच्छे से अच्छे स्कूल भी हैं शायद उनके बच्चे भी इस लेवल तक कम्पीट नहीं कर सकते हैं, खासकर जो मैंने देखा कि उनकी प्रेजेंटेशन में कितनी कॉन्फिडेंस थी। हालांकि मैंने कहा कि अक्सर मैं स्कूलों के प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, इससे ये खुशी होती है कि अब हमारे बच्चों को सिटीज़ में जाने की या बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्कूल इस तरह से जो आगे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ये कहते हैं ना कि देयर सेकंड टू नन, ये हर मैदान में अब जो है बच्चों को तैयार कर रहे हैं, खासकर जो स्कूल के ओवरऑल जो इनका विजन है वो बच्चों की परफॉर्मेंस से पता लग रहा है कि स्कूल का बाकायदा एक विजन है कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबल इस तरह से तैयार करें कि हमारे बच्चे 21st सेंचुरी कंप्लाइंट हों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी है लेकिन अमलन ऑन ग्राउंड जो है लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, खासकर सरकारी स्कूलों की बात करें हम या इवन प्राइवेट स्कूलों में भी, क्योंकि सारे स्कूलों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन लेटर से पर लागू किया जाए। लेकिन एम्स के इस प्रोग्राम में आकर मुझे एक होप दिखाई दे रही है, एक एतमाद है कि हमारे प्राइवेट स्कूल जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, जो मैंने इब्तिदा में ही कहा, खासकर एम्स के इस प्रोग्राम से जो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि एक क्रिएटिव अंदाज से, इनोवेटिव अंदाज से हमारे स्कूल NEP को लागू करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि NEP में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके लिए हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि हमारे स्कूल मेहनत कर रहे हैं मुझे पूरी यकीन है कि जो लैकुनाज हैं उन पर काबू पाया जाए। पिछले साल भी आपने